अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज़ कुकिंग विद रिदा आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पे मोरक्कन ग्रिल चिकन कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ग्रिल चिकन के साथ मोरक्कन सॉस घर पे बनाना आएगी, और साथ ही साथ यू विल लर्न दैट हाउ यू कैन मेक बटर गार्लिक राइस एट होम। तो आप लोग रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको चिकन मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने 4 चिकन फिलेज लिए हैं, तकरीबन 800 ग्राम ये चिकन बनता है। आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं चिकन को एक डीप बाउल में ऐड करूंगी, और उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून इज़ इनफ। उसके बाद हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर 1/2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी सिरका, यू कैन टेक लेमन जूस एज वेल। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूंगी, और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑस्टर सॉस ऐड करूंगी। इस सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। आपने चॉप्ड ही लेनी है, मिंस भी ले सकते हैं, लेकिन चॉप जब कुक होते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेट कर दें 1-2 घंटे के लिए। हेयर इज़ अ प्रो टिप कि मैरिनेशन टाइमिंग आपकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया हुआ है। इससे आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनेगा, इसलिए आपने इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखना है। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप के ऊपर, जो है बटर गार्लिक राइस का। बटर गार्लिक राइस बनाने के लिए कढ़ाई में आपको 2 टेबलस्पून पहले ऑयल ऐड करना है। साथ में आप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून बटर। कोई भी बटर आप ले सकते हैं, अनसॉल्टेड ले लें, मैंने होममेड बटर लिया है, लेकिन अनसॉल्टेड होना चाहिए वो। साथ में मैं उसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मिंस गार्लिक यानी कि लहसुन। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे बटर के साथ, ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3-4 मिनट के बाद गार्लिक थोड़ा सा रोस्ट हो गया, अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि 1.5 कप चावल लिए, इसलिए मैंने 3 कप इसमें पानी ऐड किया है। साथ में मैं एक नॉर की ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब। अगर आप लोग चिकन क्यूब यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते यखनी बनाने के लिए, तो आप नेचुरल यखनी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पानी की जगह आपको बस वो नेचुरल यखनी डाल देनी है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तकरीबन मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, इनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था, और फिर बाद में पानी निकालने के बाद इस तरह से आपने इसमें डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके रख दें तब तक जब तक कि आपका सारा पानी जो है वो सूख नहीं जाता। हर तरह के चावल का अपना कुकिंग टाइम होता है। मेरे चावल क्योंकि बनस्पति थे, इसलिए उनको 5-6 मिनट लगे हैं कुक होने के लिए। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी भी ऐड कर सकते हैं और उनको पका भी सकते हैं। जब ये पानी सारा अब्सॉर्ब हो जाएगा चावलों के अंदर, तो आप इसको दम पे रख देंगे, लेकिन आपने वेट टॉवल का ही इसको दम देना है। वेट टॉवल का दम देने के बाद आप इसको 6-7 मिनट या फिर 10 मिनट भी लो फ्लेम के ऊपर दम पे रखेंगे, और उसके बाद आपके राइस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। बटर गार्लिक राइस हमारे प्रिपेयर हैं। पॉसिबली आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने कोई नमक क्यों नहीं डाला, क्योंकि यखनी में और चिकन क्यूब में पहले से ही नमक मौजूद होता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इफ़ यू गाइज वांट तो आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपकी क्यूब में नमक है और आपकी यखनी में नमक है, तो आपको यखनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ग्रिल चिकन का। चिकन को ग्रिल करने के लिए मैं कैस्ट आयरन पैन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले ही से ऑयल लगाया हुआ था और उसको अच्छे से हीट अप किया हुआ था। अपने फिलेज ऐड करें, और 5-6 मिनट इसका कुकिंग टाइम होता है। 5-6 मिनट में आपके चिकन फिलेज जो हैं वो अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन या ग्रिल पर बना रहे हैं, तो चिकन की कुकिंग टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो तकरीबन 7-8 मिनट जा सकती है या 8-10 मिनट भी जा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन फ्लेम कि आपने फ्लेम कितनी रखी हुई है। आयरन पैन जब यूज़ कर रहे हैं तो फ्लेम आपको हाई रखनी है, लेकिन अगर आप नॉन स्टिक करें तो आप मीडियम टू हाई ही फ्लेम रखेंगे। हेयर आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेसिंग चिकन। चिकन को प्रेस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसको टेंडर बनाना चाहते हैं। अगर आप चिकन का चाहते हैं कि वो अंदर से नरम हो, तो उसको प्रेस ज़रूर करें, और 1 कप के थिन लेयर्स चिकन के ज़रूर होने चाहिए। थिन लेयर्स होंगे, थोड़ा सा आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके टिश्यूज़ जो हैं वो टूट जाएंगे, जिससे आपका चिकन बहुत ज़्यादा नरम होगा। एंड यस, दही या सिरका या लेमन जूस भी चिकन फिलेज को बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनाता है, और मैरिनेशन टाइमिंग भी आपने करेक्ट रखनी है। अब ये जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा टेंडर था,
पूरे 6 मिनट में हमारे चिकन फिलेस जो हैं वो रेडी हो गए थे। अब मैंने उसी हीट के ऊपर और उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के अपने आलूओं को रख लिया। आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, आप लोगों ने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के आलूओं को आप कर लें ग्रिल। आलू को ग्रिल करने की टाइमिंग इट्स टोटली अप टू यू, आप कितनी देर तक इसको ग्रिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनकी सर्विंग डिफरेंट देखी है। कहीं पर ये माइल्ड से बेक्ड होते हैं, कहीं पर ये फुल बेक्ड होते हैं, कहीं पर ऐसे देखते हैं कि जैसे ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। दैट्स अप टू यू कि आप कैसे रखना चाहते हैं, इनको ग्रिल कर लें। और साथ में अब हम अपनी बनाएंगे सॉस, जो कि है लास्ट स्टेप। सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए है एक पैन। पैन में आप डालेंगे जी ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बटर यूज़ नहीं कर सकते। 2 से 3 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड कर लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैंने लिया था। उसके अंदर आप डालेंगे जी गार्लिक। लहसुन को आपको करना है थोड़ा सा रोस्ट, इतना रोस्ट करना है ये थोड़े से ब्राउनिश हो जाएं। जब ये ब्राउनिश हो जाएंगे फिर हम इसमें अपनी एक सॉस ऐड करेंगे, जो कि मैंने घर पर बनाई है, वो बाजार से भी मिल जाती है। वो सॉस है जी सांबल सॉस, 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगी। अगर आपको होममेड रेसिपी चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा जी, इस पॉइंट पे जब आप सॉस ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्प्लैशिंग होगी, तो आपने क्या करना है, फ्लेम को बहुत ही लो कर देना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जल्दी से आपने अपने बाकी इंग्रेडिएंट को डाल देना है। दैट इज़ क्रीम। 1/2 कप मैं क्रीम ऐड करी क्योंकि मैंने थोड़ी सी सॉस बनानी थी। 4 स्टेक्स के लिए ये मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा स्टेक्स बना रहे हैं, ज़्यादा आपने चिकन ग्रिल किया है, तो आप 1 कप की भी बना सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें पिंच टू पिंच आपने सॉल्ट ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आप इसको चेक कर लें फिर ही सॉल्ट ऐड करें, क्योंकि बहुत सी सांबल ऐसी होती हैं जो ज़्यादा सॉल्टी होती हैं, तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं रांच ड्रेसिंग, जो कि टेस्ट को थोड़ा इन्हांस कर देगी। उसके बाद आते हैं जी प्लेटिंग की तरफ। आप इसको प्लेट में सर्व कर सकते हैं, सीजलर पर भी कर सकते हैं अगर गर्म गर्म आपको सर्व करना है। साइड पर आप चिप्स रखेंगे। चिप्स आपको मेरे थोड़े काले लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी इनका टेस्ट बहुत फैंटास्टिक था। ये ओवर कुक नहीं हुए हुए हैं बेसिकली, क्योंकि हमने इसको रीयूज़ किया था कैस्ट आयरन पैन को, इसलिए ये थोड़े से काले हो गए हैं, लेकिन इनके टेस्ट या फ्लेवर में कोई भी डिफरेंस नहीं था। देवर परफेक्टली बेक्ड। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। यू गाइस गोना लव दिस रेसिपी एंड होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इस तरह से इसकी प्लेटिंग करें, गेस्ट को सर्व करें, किसी पार्टी पे बनाएं या डिनर के लिए बनाएं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।